ये जलतरंग वाद्य मेरे पिताजी स्वर्गीय पंडित श्री दिवंगत डीआर वारंग इनसे ये विद्या सीखा है। ये जलतरंग बहुत विरल वाद्य अभी हुआ है, इसलिए ये विद्या बढ़ाने के लिए मैं कोशिश कर रही हूँ। और अभी ये सुनकर इतना अच्छा लगा कि हम जैसे कलाकारों को ये अच्छा अवसर प्राप्त हो रहा है, बहुत खुशी की बात है। और ये जैसे विरल वाद्य प्रचलित हो रहे हैं, ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। हमें भी ऐसा अवसर प्राप्त हो तो बहुत खुशी। फिर भी मैं सभी को शुभकामना देती हूँ कि ये कार्यक्रम सफल हो, अच्छा हो, और ऐसे ये सभी विरल वाद्य प्रचलित हो और सभी इस वाद्य का आनंद लुटाए, ऐसी शुभकामना है। आजकल के जमाने में पाश्चात्य संगीत का काफी सारा इन्फ्लुएंस आज की युवा पीढ़ी पर हो रही है, तो ये जो विरल वाद्यों का कार्यक्रम को आयोजन करके पाश्चात्य संगीत का जो दबाव है उसको कम, उसमें कम करता ला सकते हैं, यानी कम उसमें जो इन्फ्लुएंस है उसको ज्यादा हुआ है उसको कम कर सकते हैं? डेफिनेटली हम कर सकते हैं, क्योंकि ये जो भारतीय हमारा संगीत है, पुराना संगीत, और बहुत मधुर, सुंदर और सभी लोगों को आकर्षित करता है। पाश्चात्य संगीत जो है वो टेम्पररी आनंद देता है, मगर ये जो हमारा भारतीय संगीत है, शास्त्रीय संगीत, वो बहुत समय तक, बहुत दिन तक वो आनंद हम ऐसे ही ले सकते हैं, क्योंकि भारतीय संगीत ही ऐसा है, हिंदुस्तानी संगीत हमारा। और ये विरल वाद्य कभी किधर भी ऐसा सहज रूप से ये वाद्य नहीं देखने के लिए और सुनने के लिए मिलते हैं। ऐसे विरल वाद्यों को सरकार ने इतना अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया है, बहुत खुशी की बात है। और सभी कलाकारों को शुभकामनाएं, और ऐसे ही सभी विरल वाद्य प्रचलित हो, ऐसे मेरे शुभकामना।